अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश वन ओ वन का लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव डिस्कस करेंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है इससे पहले भी सेंटेंस एरर्स के बारे में ही हमने पढ़ा था उसमें जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है उसमें हमने सेंटेंस फ्रेगमेंट के बारे में जस्ट एक ही एरर यानी कि हमने डिस्कस किया था आज हम इस वीडियो में अपने बाकी के दो एरर डिस्कस करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट्स दैट हैव नो क्लियर ब्रेक बिटवीन देम ठीक है अब रन ऑन सेंटेंस आपके पास कौन सा होता है वो सेंटेंस जो जिसकी मतलब जो दोनों जो हैं वो मिलकर कंप्लीट थॉट दे। ठीक है मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट्स, दो कंप्लीट थॉट्स दें और एंड हैव नो क्लियर ब्रेक और उन दोनों और उनमें कोई भी ब्रेक ब्रेक ना हो तो कहलाता है रन ऑन सेंटेंस आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो थी आप उसमें हमने सेंटेंस जो पढ़े थे वो आपके थ्री टाइप्स के सेंटेंस थे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सेंटेंस फ्रेगमेंट था रन ऑन सेंटेंसेस था और मिसप्लेस्ड एंड डेंगलिंग मॉडिफायर्स हमने पढ़े थे प्रिवियस वीडियो में जो हमने देखा था सेंटेंस फ्रेगमेंट हमने डिस्कस किया था और रन ऑन सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था इसकी टू टाइप्स होती हैं वो टाइप्स कौन सी हैं हम अब देख लेते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ रन ऑन सेंटेंस ये आपकी रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन भी है ठीक है आप लोगों ने माइंड में रखना है शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप लोगों ने यही लिखनी है देर आर टू काइंड ऑफ रन ऑन सेंटेंस एक तो आपने ये याद रखना है कि इसकी टू टाइप टू काइंड है किसकी रन ऑन सेंटेंस की और कौन कौन सी है फ्यूज सेंटेंसेस है कॉमन सप्लाईज सेंटेंसेस है नेक्स्ट चलते हैं आपका एमसी क्यू नंबर थ्री है टू और मोर सेंटेंसेज दैट रन टूगेदर विद नो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन बिटवीन अब फ्यूज सेंटेंस क्या होते हैं फ्यूज सेंटेंस वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस हों ठीक है एक दूसरे के साथ चल रहे हों लेकिन उनमें क्या हो कि मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन ना हो या आपने याद रखना है हो सकता है कि एम में आपको ये पूछ लें कि दो सेंटेंस जो हैं, वो रन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उनमें क्या नहीं है मतलब वो कब फ्यूज सेंटेंस किस तरह होते हैं कि उनमें क्या चीज ना हो तो वो पंक्चुएशन मार्क उसमें ना हो तो वो फ्यू सेंटेंस होते हैं एम सी क्यू इसको अच्छे से प्रिपेयर करें किसी भी तरह से आपको एम सी क्यू आ सकता है ही लेफ्ट अर्ली ही सेड ही हैड अ टू अब ये आपके ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है ये फ्यू सेंटेंस की है अब कैसे ये देख सकते हैं आप ही लेफ्ट अर्ली ही सेड ही हैड अ टू अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी पंक्चुएशन मार्क इसमें यूज़ नहीं हो रहा है पंक्चुएशन मार्क आपको पता है फुल स्टॉप होता है सेमी कॉलन होता है कॉमा होता है स्लैश uh, होती हैं ठीक है थीके? बहुत सारी पंक्चुएशन होती हैं आप लोग विषय गूगल पे इसकी लिस्ट देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि पंक्चुएशन क्या होती है ये आपको पास में भी आया हुआ है अ गुड वे टू प्रिवेंट फ्यू सेंटेंसेज अब फ्यू सेंटेंसेज को रोकने के लिए प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना एक अच्छा तरीका क्या है फ्यू सेंटेंस को रोकने के लिए तो वो तरीका ये है कि आप जो आपने लिखा है उसको आप मतलब जोर से आप उसको पढ़ें ठीक है लाउड तरीके से आप उसे पढ़ें तो ये एक अच्छा तरीका है फ्यूज सेंटेंस को रोकने का स्टेटमेंट ट्रू है पास्ट में भी आप ये आया हुआ है आपको नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज फ्यूज और कॉमा सप्लाईज अब इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपके पास सेंटेंस है ये कॉमास्यूज है द रूम इज लॉक नो वन हैज की अब आप लोग समझ गए होंगे अभी मैंने आपको बताया कि फ्यू सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें जो है वो पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हो रहा अब ये देख सकते हैं इसमें कोई कॉमा नहीं है कोई फुल स्टॉप नहीं है कोई सेमी कॉलन नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये कौन सा सेंटेंस है ये फ्यू सेंटेंस है ठीक है करेक्टिंग फ्यू सेंटेंसेस अब फ्यूज uh, सेंटेंसेज को करेक्ट करने के तीन तरीके होते हैं एक तो आपने ये याद रखने हैं देयर आर थ्री वेज टू करेक्ट अ फ्यू सेंटेंस अब वो तरीके कौन कौन से हैं देख लेते हैं डिवाइड द फ्यूज सेंटेंस इंटू टू सेंटेंसेस पहला तरीका ये है कि आप फ्यूज सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर दें दूसरा तरीका यह है कि आप uh, क्या करें पुट अ कामा एंड अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग वर्ड कॉमा लगाएँ और एक खास किस्म के वर्ड से उसको ज्वाइन कर दें अब वो कौन से वर्ड हैं, एज है एंड है बट और सो इस टाइप के जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, उनसे आप उनको ज्वाइन कर दें ठीक है यूज सब ऑर्डिनेशन थर्ड जो वे है वो कौन सा है यूज सब ऑर्डिनेशन टू मेक वन ऑफ द कंप्लीट थॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर वन अब यहां पे आपने तीसरा ये याद रखना है यूज सब ऑर्डिनेशन ठीक है थर्ड इसका वे कौन सा है कि हम सब ऑर्डिनेशन यूज़ करें अब सब ऑर्डिनेशन में आपके पास किस तरह की आ जाती हैं बिकॉज़ वेन इफ़ बिफोर सिंस यानी कि जो सेंटेंस से पहले हम लगाते हैं या मिड में लगाते हैं किसी भी चीज़ को प्रॉपर एक कंप्लीट थॉट देने के लिए तो उसके लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे ये आपका जो आंसर है ये ऑल है और सेम यही तीन तरीके जो हैं ये आपके किसके लिए भी हैं करेक्टिंग वो सॉरी कॉमा सप्लाईज के लिए भी, भी यही सेम तरीके हैं ठीक है हैंड आउट्स को लाजमी एक बार अच्छे से लेक्चर को रीड कर लीजिए और शॉर्ट लेक्चर्स भी ले लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका द कॉमा ऑलवेज गोज बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड नॉट आफ्टर इट स्टेटमेंट आपकी टू है याद रखना है कि कॉमा हमेशा कब लगता है ज्वाइनिंग वर्ड से पहले हमेशा लगता है ठीक है बाद में नहीं लगता पहले लगाते हैं कॉमा नेक्स्ट है वो कब लगता लगता है Start में है स्टार्ट में एंड पे लगता है मिड में तो इसका जो राइट right आंसर है वो एंड है पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट अ सेंटेंस ये भी पास्ट में आया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट आप लोग देखिए ये इसकी प्रैक्टिस है पेज नंबर प्रैक्टिस uh, टू है पेज नंबर 164 पे इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है इसमें से भी आपको क्वेश्चन इसके अंदर से ही एम आपको आ सकता है एज़ इट इज़ एम आ सकता है और दूसरा आपको एडवांटेज ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे आप प्रिपेयर करेंगे इसको तो इन शाला आप इसके जो एम होंगे पेपर में या अगर कोई इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है एक प्रैक्टिस का मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पर दे दिया है समझाने के लिए प्रैक्टिस में है इट्स इजी टू बिगिन स्मोकिंग इट्स मच हार्डर टू क्वाइट अब ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है ये फ्यू सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा है कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये फ्यूज सेंटेंस है अब इसकी करेक्शन किस तरह से होगी अब करेक्शन के लिए आपने अपने माइंड में वो जो अभी हमने ऊपर तीन पॉइंट्स देखे हैं आपने उनको माइंड में रखना है और सेंटेंस के मुनासबत से आपने उसको करेक्ट करना है इट्स इजी टू बिगिन स्मोकिंग इट्स मच हार्डर टू क्वाइट यानी कि स्मोकिंग को जो है वो स्टार्ट करना तो बहुत ईजी है लेकिन उसे क्वाइट करना बहुत मुश्किल अब इसको करेक्ट करेक्शन इसकी क्या होगी इट्स ईजी टू बिगिन स्मोकिंग यहाँ पे आप कॉमा यूज़ करेंगे कॉमा के बाद ये देखिए ये अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है ये सब ऑर्डिनेशन यूज़ किया है बट क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है कंप्लीट थॉट करने के लिए करेक्ट करने के लिए जरूरत है ऊपर मैंने आपको सब ऑर्डिनेशन सारी लिस्ट दे दी है वो आप लोग दोबारा से पास करके देख लीजिएगा बट इट्स मच हार्डर टू क्वाइट उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी कर लीजिए मैंने पूरी कोशिश की है मैं जितना ज़्यादा इस लेक्चर को आपके लिए ईजी बना सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जब नेक्स्ट है आपकी कुछ फिलिंदी ब्लैंक्स थी अ डैश इज मेड अप ऑफ टू कम्प्लीट था ज्वाइन टूगेदर विद नथिंग बिटवीन देम ये होता है रन सेंटेंस ठीक है यानी कि रन सेंटेंस अभी हमने ऊपर देखे कि जो दो कंप्लीट थॉट देती हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करती और उनमें कोई ब्रेक नहीं होता नेक्स्ट चलते हैं डैश इज़ मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट देट आर इनकरेक्टली ज्वाइन टूगेदर विद ओनली अ कॉमा बिटवीन देम ठीक है ये आपका हो गया ये दोनों में आपने फर्क रखना है स्टेटमेंट दोनों की सेम है जस्ट यहाँ पे कॉमा और वहाँ पे उस का फर्क है ठीक है तो ये क्या हो गया आपके पास कॉमा सप्लाइज इसका आंसर हो जाएगा वीडियो को पास करके दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा वन वे टू करेक्ट फ्यू सेंटेंसेज एंड कॉमा सप्लाइज इज टू एड अप कॉमा सप्लाइज को और फ्यू सेंटेंस को जो करेक्ट करने का एक तरीका है वो क्या है अभी हमने देखा या आप फुल स्टॉप यूज करते हैं या आप कॉमा यूज करते हैं ठीक है ये आपका राइट right आंसर है प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा तभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी टू कम्प्लीट थाट्स कैन बी ज्वाइंट टुगेदर इन अ सेंटेंस बाय अ कॉमा एंड आ डैश वर्ड मैंने आपको बताया था कि बर्ट जो है वो सब ऑर्डिनेशन में आता है सॉरी uh, उसमें सब ऑर्डिनेशन में नहीं था ज्वाइनिंग वर्ड है ठीक है क्योंकि हम सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए हमने वहाँ पे बर्ट यूज किया था टू कम्प्लीट था कैन बी ज्वाइन टूगेदर इन वन सेंटेंस बाई एडिंग सच एज वन और बिकॉज अब ये कौन से है यह डिपेंडेंट वर्ड हैं नेक्स्ट चलते हैं द द फ्यू एंड कॉमा आर सामसो नोन एज डैश डैशेंस रन ऑन डैश इज वन और मोर वर्ड दैट एन अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये कहलाते हैं मॉडिफायर ठीक है ये मॉडिफायर की डेफिनेशन है मॉडिफायर इज वन और मोर वर्ड एक या एक से ज्यादा वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं दूसरे वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तो उसे हम क्या कहते हैं मॉडिफायर मोडिफायर कहते हैं तरमीम करने वाला और मोडिफाइर्स कहते हैं तरमीम को एग्जाम्पल मैंने दे दी है आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट चलते हैं सेवनटीन uh, पे डैश इज़ अ मोडिफायर दैट इज़ इन करेक्टली सेपरेटेड फ्राम द वर्ड और वर्ड्स दैट इट डिस्क्राइब्स मिस प्लेस मॉडिफायर अब ये मिस प्लेस मॉडिफाइर की डेफिनेशन है यानी कि गलत जगह पे तरमीम करना सेंटेंस में अगर कोई चीज़ मिड में आनी है और उसे स्टार्ट में लगा दें या एंड पे कर दें तो ये मिस प्लेस मॉडिफायर होता है नेक्स्ट uh, चलते हैं द मिस प्लेस सीम्स ये आप लोग शॉर्ट लेक्चर से इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडिफायर वाले भी द मिस प्लेस मॉडिफायर सीम्स टू डिस्क्राइब वर्ड दैट द राइटर डिड नॉट इंटेंट इट टू डिस्क्राइब ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू लगी इंपॉर्टेंट uh, लगी थी मैंने लिखती है आप लोग देख लीजिए वेन मॉडिफायर्स आर मिस प्लेस द रीडर मे मिस अंडरस्टैंड द डैश यानी कि जो मॉडिफायर है वो अगर मिसप्लेस्ड हो तो जो रीडर होता है उससे सेंटेंस को वो गलत मतलब ले लेता है मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेता है उसको एग्जाम्पल है मिस प्लेस मॉडिफायर की माई ब्रदर बॉट अ यूज कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप आप सेंटेंस को आप लोग जब रीड कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये मिस प्लेस मॉडिफायर है अब इस सेंटेंस में मिस प्लेस मॉडिफायर क्या चीज है ये चीज जो है ये मिस प्लेस्ड है ठीक है अब इसको देखते हैं कि करेक्शन किस तरह माई ब्रदर बॉट अ यूज कार अब कार की जो मतलब कार में जो भी वो है खराबी है उसको जहरी बात है आप सेंटेंस के साथ ही लिखेंगे ना माई ब्रदर बॉट अ यूज कार ब्रैकेट में विद अ लीकिंग पाइप भी उसकी खराबी है और लीक से है फ्रॉम अ लोकल डीलर ठीक है ये समझ आ गई होगी उम्मीद है कि मिस प्लेस मॉडिफायर किस तरीके से होता है और आपको जो एम सी क्यूज़ है वो आपको कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं मिस प्लेस मॉडिफाई का और उसमें पूछेंगे कि ये चीज़ आपके पास क्या है मिस प्लेस मॉडिफायर है या डेंगलिंग मॉडिफायर है क्या चीज़ है कोई भी इस टाइप की आपको दे देंगे प्रैक्टिस आप लोग लाजमी कीजिए ये इसकी भी प्रैक्टिस नंबर मैंने दे दिया है पेज नंबर वन प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है शॉर्ट लेक्चर भी लाजमी लीजिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और लेंथी भी बहुत है अ सिंगल वर्ड मोडिफायर इज अब सिंगल वर्ड मोडिफायर क्या होते हैं ठीक है हमने अभी मिस प्लेस मॉडिफायर देखे हैं ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है इसके बाद हम डेंगलिंग मोडिफायर देखेंगे ये थ्री टाइप्स हैं इसकी ये सिंगल मॉडिफायर भी हो गया ये इसकी डेफिनेशन है वन वर्ड दैट मोडिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड फ्रेज और क्लॉज सिंगल वर्ड मोडिफायर मे रेफर टू ग्रामेटिकल मॉडिफायर अ सच सॉरी अ विच मॉडिफाइज एन अदर एलिमेंट ऑफ द फ्रेज और क्लॉज सिंगल वर्ड मोडिफायर सच एज अब सिंगल वर्ड मॉडिफायर कौन से होते हैं ओनली ऑलमोस्ट नियरली ठीक है ये इसकी डेफिनेशन है स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए कुछ भी इसमें से कॉन्सेप्शन आपको आ सकता है अब सिंगल वर्ड मॉडिफाइड की एग्जाम्पल देख लेते हैं आई ओनली आज माई बॉस फॉर वन डेज लीव बट ही रिफ्यूज अब यहाँ भी आपको पता है कि ये ओनली जो है यहाँ पे सूट नहीं कर रहा यानी ये सिंगल है ना यानी एक ही मॉडिफायर है यहाँ पे ओनली तो ये ओनली अब इसकी करेक्शन क्या होगी आई आस्क माई बॉस फॉर ओनली वन डेज लीव बट ही रिफ्यूज जी उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफ कर सकूँ और आप लोगों के लिए फाइल को भी बहुत ईजी बनाऊँ नेक्स्ट चलते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर जब आप थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं डेंगलिंग मॉडिफायर इज़ अ वर्ड फ्रेज़ दैट मॉडिफाइज अ वर्ड नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द सेंटेंस यानी कि जो मॉडिफाइज को सेंटेंस में क्लियरली उसको डिस्क्राइब नहीं करता उसको स्टेट नहीं करता उसे हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर डेंगलिंग मॉडिफायर का अगर हम उर्दू में देखें तो होता है कि लटका हुआ यानी सेंटेंस जो है वो लटका हुआ है उसकी कुछ समझ नहीं आ रही तो उसको हम कहते हैं लटका हुआ मॉडिफा ये है जी स्टूडेंट्स ये थे आपके 23 थ्री आपके लेक्चर्स में से जितने भी एम बन रहे थे मैंने तमाम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी हैं लेक्चर को रीड लाजमी कर लीजिएगा अब देख लेते हैं इसमें से एम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस अब आप इसके एम से पास जो क्विजिज़ में आए हुए हैं उनसे देख लीजिए आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज़ टू स्मॉल अभी आपको सेंटेंस दिया हुआ है आगे कहता है द एक्सप्रेशन दैट इज टू स्मॉल ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना किसी भी तरह से वो एम आपको दे सकते हैं अब ये इम्प्रेशन उसने पूछ लिया है कि ये जो इम्प्रेशन है टू स्मॉल ये क्या है तो ये देखिए ये मिस प्लेस्ड मॉडिफायर है इसी तरह जिस तरह हमने अभी ऊपर देखा था विद द विद लीकिंग पाइप तो वो लीकिंग पाइप क्या था मिस प्लेस मोडिफाइड यानी कि उस सेंटेंस में मिस प्लेस मॉडिफायर क्या था लीकिंग पाइप इस सेंटेंस में मिस प्लेस मॉडिफायर क्या है टू स्मॉल ठीक है नेक्स्ट चलते हैं डैश इज अ टेक्निक टू अवॉइड फ्यू सेंटेंसेस ये भी हमने देख लिया है रीडिंग अलाउड ठीक है यानी कि अगर आपने फ्यू सेंटेंस को अवॉइड करना हो तो जो आपने लिखा है उसे आप ऊंचा पढ़ें डैश ऑफ मॉडिफायर में लीड टू मिस अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर्स ये भी अभी हमने देखा है इसका आंसर है मिस प्लेसिंग ऑफ मॉडिफायर यानी कि अगर आप सेंटेंस में मिस प्लेस्ड होगा मॉडिफायर तो जो रीडर है वो उसको मिस अंडरस्टैंड करेगा आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस अब सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा इसका जो राइट right आंसर है वो रन ऑन सेंटेंस है चूज द करेक्ट आंसर अली वर्क हार्ड फॉर हिज एग्जाम ये अब कौन सा है कंप्लीट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन ये आप सेंटेंस देख लीजिए इसका आंसर है मिस प्लेसड मॉडिफाइड अब आपको समझ आ गई होंगी क्योंकि मैंने ब्रीफ कर दिया है तो इसलिए मैं आपके जो ये क्विजेज़ हैं इन्हें ब्रीफ नहीं कर रही होपफुली जॉन विल गिव टू डिस्पायर ठीक है यहाँ से आपने क्या करना है इज होपलेस प्रोजेक्ट इसमें अब होपफुली क्या है ये डेंगलिंग मॉडिफायर है ठीक है तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह